हेलो फ्रेंड्स, रात के 12 बज रहे हैं और आज है मेरी बिटिया का बर्थडे यानी 12 जुलाई को। तो मैंने कुछ सरप्राइज उसके लिए प्लान किया है, केक बनाया है, साथ ही थोड़ी डेकोरेशन की है और अभी वो पढ़ रही है। और जब मैं उसे बुला के लेकर आऊँगी तो मैंने कहा आपके संग शेयर करूँ कि कितना कैसा लग रहा है, और आप मुझे बताइएगा कि कैसे मैंने सरप्राइज कैसा प्लान किया, अच्छा लगा या नहीं। तो चलिए दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए, ये मैंने रात के 12 बजे सारा सरप्राइज़ इसके लिए प्लान किया था। देखिए, सारे बैलून्स लगाए उस पर, थोड़े से पेटल्स, थोड़े से कैंडल्स। देखिए, इतना खूबसूरत लग रहा है। अब हमने केक भी ले आए हैं और ये मेरा हैंडमेड केक है। मैंने खुद ही इसको रात में अपने बिटिया से छुपा के तैयार किया है। देखिए कैसा लगा, आपको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये भी मैंने एक थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया बास्केट, फ्लावर वाली बास्केट से। देखिए कितने खूबसूरत लग रहा है। थोड़े से स्टार्स लगा दिए हैं। पापा और उसके भैया बैठे हैं। अब 12 बज गए हैं और मैंने अपनी बिटिया को बुलाया है और इसे पता है कि मम्मा कुछ ना कुछ सरप्राइज़ प्लान ज़रूर करती है, क्योंकि पता है कि मम्मा को बहुत पसंद है और मुझे सरप्राइज़ देना और सरप्राइज़ होना भी बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो सारी ब्लू लाइट हमने अपने रूम में खोल ली थी और अब सब विश कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। और ये बहुत ज़्यादा ही खुश है अपने बर्थडे पे, तो वैसे भी कौन नहीं खुश होता। देखिए कितना प्यारा केक लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। अब आई होप इसका टेस्ट सबको पसंद आए। Happy birthday dear Isha, happy birthday to you. केक कट किया, पापा को खिलाया और पापा और बिटिया रानी और बैलून सब एक ही कलर के हो रहे हैं। देखिए कैसी लगी आपको रात की डेकोरेशन। रात की डेकोरेशन तो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी ही अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन अच्छी नहीं लगती है। देखिए अब मुझे भी बुला लिया और मुझे भी केक खिलाया, क्योंकि इसे चॉकलेट फ्लेवर का केक पसंद है तो मैंने चॉकलेट ही फ्लेवर का केक बनाया है। फिर सबने रैंडमली क्लिक कराई फ़ोटो। ये श्वेता है, श्वेता ने भी रात में आके तानू को सरप्राइज़ कर दिया। भैया भी आए और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत मज़ा आया रात के 12 बजे। और चलती है अब दूसरी इवनिंग में चलते हैं, नेक्स्ट इवनिंग में। आज का दिन है 12 जुलाई और देखिए ये मैंने डेकोरेशन की है। ये भी एक सरप्राइज़ डेकोरेशन है, बिल्कुल भी तान्या को पता नहीं है कि मम्मा ने किस तरीके की डेकोरेशन की है। उसको तो मैंने एक रूम में, वो पढ़ती रहती है तो हम उसे डिस्टर्ब नहीं करते। बस हमने ये कह दिया था कि आप बाहर मत आना, आपको खाना वाना हम सब दे देंगे। और वो पढ़ती रही और मैंने ये डेकोरेशन की। देखिए आप कैसी लग रही है, बहुत ही प्यारी डेकोरेशन है। और अब हम इसको तैयार करके लेकर के आए हैं, प्यारी सी लग रही है। इससे तो सरप्राइज़ होना, फिर से एक और सरप्राइज़, सरप्राइज़ पे सरप्राइज़। और ये जो ड्रेस है, ये ड्रेस उसके भाई ने, सबसे पहला सरप्राइज़ तो उसी ने दिया था, उसके भाई ने। और देखिए कितना खुश हो गई, बहुत ही ज़्यादा खुश है ये देखिए। और बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है उसकी तो बात ही अलग होती है, वही हमारा दिन बना देती है। और बस इसी मुस्कुराहट के लिए मैंने ये सारा सरप्राइज़ प्लान किया था कि वो बहुत खुश हो। बच्चों की खुशियाँ ही माँ बाप के लिए सब कुछ होती हैं, तो देखिए चेहरे पे ही मुस्कुराहट पता चल रही है कितनी खुश है। और उसकी चाची आ गई हैं। आज बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है और ये बारिश में ही आ गई हैं। अब इसके भाई, चाचा, चाची, अंकल, आंटी, दीदी, भैया, बुआ, दादी, बाबा सब आए हैं। ये हमारा मंदिर है, मंदिर से तो आपको मैंने आपको दिखाया ही है। और देखिए इसे फ़ोटो खिंचवाने का बहुत शौक है, अपने भाई से फ़ोटो खिंचवा रही है। और मैंने थोड़ा सा
सबको मज़े करने के लिए अंताक्षरी करवाई थी। सबने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए। हम लोगों ने तीन टीमों में डिवाइड कर दिया था और सबने उसी तरीके से गाने गाए और मज़े करे। बच्चों ने भी बहुत मज़े करे। अब हम उसको थर्ड सरप्राइज़ के लिए ले चलते हैं। उसके पापा उसको लेकर चल रहे हैं थर्ड सरप्राइज़ के लिए। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है, कि मम्मा ने कितने सरप्राइज़ प्लान कर रखे हैं। ये देखिए, हमने कार में सरप्राइज़ प्लान करा था। उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। और ये देखिए, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बहुत ही खुश हुई। और देखिए कितनी, किस तरीके से हमने डिक्की को डेकोरेट किया है। ये हमारी मैडम श्वेता ने कराया बहुत ही प्यारे तरीके से। और इसमें भी हमने एक केक प्लान किया था। और तानू से कहा कट करते रहो केक को, कट करते रहो, कितने केक कट करोगे। बहुत खुश है, बहुत ही खुश है। ये बैलून्स भी बहुत प्यारे हैं। और फेरी लाइट तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है। ये देखिए सबको बहुत मज़े आ रहे हैं। बच्चे देखिए, छोटे छोटे बच्चे, इसके सारे सब कज़िन्स हैं। सबने बहुत मज़े करे और सब देख रहे हैं, सबको बहुत मज़े आ रहे हैं। सबकी प्यारी दीदी है ये। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये सरप्राइज़? इसमें एक बैलून भी था। अब इसमें हम लोगों ने तानू के संग भी फ़ोटो क्लिक करवाई और तानू ने भी करवाई। और इसमें जो बैलून था वो देखिए बहुत ही, देखिए सब लोग बहुत खुश हैं। पानी बहुत बरस रहा था। ये देखिए कितनी प्यारी फ़ोटोज़ आई हैं। और इसमें एक बैलून था, देखिए उसको मैंने जब तोड़ा उसमें देखिए स्टार्स निकले। और बहुत ही प्यारा लग रहा है। मुझे इस तरीके के सरप्राइज़ देने बहुत अच्छे लगते हैं। और एक लास्ट सरप्राइज़ इसके लिए, इसको बहुत पसंद था केक बास्केट में करके केक, आजकल जो थोड़ा ट्रेंड में चल रहा है। तो बोली मम्मा मुझे इस तरीके का केक चाहिए, ज़्यादातर रेस्टोरेंट वगैरह में होता है। तो मैंने कहा चलो हम तैयार कर देते हैं। मेरे पास ये बास्केट थी, इसको मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया। और देखिए कितनी खुश है। अब केक कटिंग होगी, तो इसलिए मैंने कहा कि अपने भैया यश को फ़ोन कर रही है। और देखिए अब केक कटिंग हो रही है और सब लोग इसकी फ़ोटोज़, केक की और सब चीज़ों की फ़ोटो लेने के लिए बिल्कुल अटेंटिव हो गए, बिल्कुल तैयार है। और बहुत ही ज़्यादा खुश है ईशा। और सब उसकी केक के संग पिक्स ले रहे हैं। और कितना सुंदर लग रहा है। आप बताइएगा कि आपको ये डेकोरेशन कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि क्या चीज़ आपको बहुत पसंद है, कौन सा सरप्राइज़ आपको बहुत अच्छा लगा। ये अब अपने पापा के संग केक कटिंग की प्रोसेस कर रही है। अब पापा बोले कि आप भी आ जाओ, तो मैं भी, हम दोनों ने मिलकर ईशा का केक कटवाया। अब मैंने ईशा को केक खिलाया और केक लगाया और उसे ब्लेसिंग्स दी कि आप लोग भी मेरी बिटिया को ब्लेसिंग्स दीजिए कि वो जो आगे करना चाहती है वो भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। सभी की ब्लेसिंग्स से हम जो भी करते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, या हमारे जीवन में जो भी अच्छा होना होता है, वो सबकी ब्लेसिंग से होता है। और सभी लोगों ने अपनी अपनी फ़ोटो खिंचवाई। देखिए एक एक करके सब, उसकी दादी, बाबा, सबने टीका करा। देखिए और सारे भाई तो बस तैयार हैं कि ऐसे दीदी के संग बैठ करके फ़ोटो खिंचाएं। ये बुआ और भैया है,
तान्या का और ये उसके अंकल हैं, उन्होंने भी गिफ्ट्स दिए और ब्लेसिंग्स दी। और ये श्वेता और भैया सबने ही, ये चाचा चाची उसके बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा, हम लोगों ने बहुत ही मस्ती करी और सबको मैंने डिनर करवाया। डिनर भी मैंने अपने आप ही बनाया था और सबको डिनर करवा के और सबने खूब मज़े करे। सबसे मेन बात थी कि देर बहुत हो गई थी क्योंकि पानी बहुत बरसा था उस दिन, बहुत ही बहुत ज़्यादा। ये देखिए उसके सारे भाई, सबने फ़ोटोज़ खिंचाई और ये उसका बुआ का बेटा है और सबने खूब मज़े करे, खूब ही हम लोगों ने मस्ती करी। और देखिए कितने अच्छे से सब लोगों ने क्लिक खिंचवाई। और ये केक, ये तो मैंने ऑर्डर किया था, देखिए कैसा लग रहा है। तो गाइस कैसा लगा आपको डेकोरेशन और सब की चीज़ें। हम मेरी बिटिया का बर्थडे, बहुत ही लाजवाब और वो भी बहुत खुश हुई, मैंने उसे बहुत बहुत सरप्राइज दिए। तो कैसा लगा आपको बर्थडे, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरी बिटिया को भी बहुत बहुत बधाई दीजिएगा, बहुत बहुत दुआएं दीजिएगा ताकि वो अपनी हर चीज़ में बहुत ही सक्सेसफुल हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा और ऐसे ही न्यू ब्लॉग्स मैं आपको देती रहूँगी। थैंक यू।